हेलो मिस्टर एमसी आर्मी, कैसे हो आप सभी लोग। एंड स्वागत है आप सभी लोगों का माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन के एक और ब्रांड न्यू बीटा 1.20.50.20 में। एंड गाइस यार, इस वाले बीटा अपडेट के अंदर काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। लाइक यार, इस वाले अपडेट से पहले जो डेकोरेटिव पॉट थे वो काफी ज्यादा अनयूजलेस थे, बट इस वाले अपडेट के अंदर से हम लोग डेकोरेटिव पॉट्स के अंदर भी अपने आइटम को स्टोर करके रख सकते हैं। एंड आप लोग अपने किसी भी आइटम के एक स्टैक को इसमें स्टोर करके रख सकते हो। एंड जैसे ही आप लोग इसे तोड़ोगे तो आप लोगों को आपका जो आइटम है वो दोबारा से मिल जाएगा। तो सच में गाइस, मुझे ये वाला फीचर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को ऐसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस, इन फीचर्स के साथ साथ इस वाले अपडेट के अंदर जो विलेजर ट्रेडिंग है उसमें भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। एंड जो न्यू टच कंट्रोल वाले फीचर है उसमें भी भाई बहुत चेंजेस किए गए हैं। एंड गाइस, वैसे तो इस वाले बीटा अपडेट के अंदर कुछ ज्यादा खास चीजें चेंज नहीं की गई हैं, बट एक इन्फॉर्मेशन के मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि अभी माइनक्राफ्ट लाइव 2023 बहुत जल्द आने वाला है, जो कि है 15 अक्टूबर। एंड यार, 15 अक्टूबर यानी माइनक्राफ्ट लाइव 2023 वाले दिन हम लोगों को 1.20 अपडेट से रिलेटेड काफी सारी चीजें सुनने के लिए मिलेंगी। एंड हो सकता है यार, माइनक्राफ्ट लाइव 2023 के बाद 1.20 अपडेट के बीटास आना भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो आप लोगों को भाई बीटास की इसी चैनल पर मिलेगी, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ गाइस यार, आज रात 10:30 बजे से मॉब वोट 2023 की वोटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक अपने फेवरेट मॉब को वोट नहीं किया तो भाई जरूर से जाकर करना, क्योंकि भाई हम लोगों को जिताना है आर्मी डिलो को, क्योंकि मैं पर्सनली उसे ही वोट करने वाला हूँ। तो जाओ गाइस यार, अपने फेवरेट मॉब को जाकर वोट करो और इंतजार करो कि भाई कौन सा मॉब 2023 में विनर बनने वाला है। तो यार गाइस, आज की इस वाली वीडियो में तो बस इतना ही था। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लोगों को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, क्योंकि आगे भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स।